हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। तो आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। बकायसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं GTA 6 के ट्रेलर के रिलेटेड। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि December 5 को GTA 6 का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, और वो ट्रेलर जो है वो टाइम से पहले ही रिलीज कर दिया गया, क्योंकि उसकी जो लीक्स वगैरह है वो काफी ज्यादा वायरल होना स्टार्ट हो गई थी। और यार ट्रेलर जो आया है तो उसने काफी ज्यादा हाइप बना दी है इसकी। यार ट्रेलर के ऊपर बहुत से रिएक्शन वगैरह पाकिस्तानी क्रिएटर्स के निकल के सामने आए हैं। जैसे कि मिस्टर जे प्लेस कुछ ये कहते हैं, मैं कहता हूं तबाही ग्राफिक्स उसका सारा कुछ, मैं कहता हूँ कमाल का। 1.5 मिनट का ट्रेलर था लेकिन कमाल क्या था, वो ग्राफिक्स में गाड़ियां शाड़ियां लोकेशन। मजेदार बात यह है, गुड न्यूज ये है कि वाइस सिटी इज बैक, वाइस सिटी वापस आ रही है। उसमें वाइस सिटी है, 2-3 शहर हैं, और उसका जो मैप है 2.5 से 3 गुना बड़ा मैप होने लगा है GTA 5 से। सही है, तो भाई कंप्यूटर वगैरह तैयार कर लो। लेकिन एक बैड न्यूज ये कि 2025 में आ रही है, तो अभी 2-2.5 साल पड़े हैं, बल्कि ज्यादा पड़े हुए हैं। रॉकस्टार गेम्स ने जिन्होंने गेम बनाई है उन्होंने कर दिया प्रैंक। 15 घंटे के बाद जो ट्रेलर आना था उन्होंने उसी वक्त कर दिया, क्योंकि लीक हो गया था हर जगह पे, तो उन्होंने बटन दबा के पब्लिक कर दिया। तो अगर ट्रेलर लीक हो सकता है तो मतलब कि पूरी गेम भी जल्दी लीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें जो है हरीम शाह से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यार मिस्टर जे प्लेस के अलावा नोमी ओपी ने ये वीडियो शेयर की। ओ भाई क्या देख लिया मैंने, मैं भाई सोया हुआ था, मुझे कॉल आई, मुझे ना बंदे ने बताया कि ट्रेलर आ गया, मैंने देखा ट्रेलर यार, लेकिन मसला बन गया यार, 2025 में 2025। लेकिन भाई द ट्रेलर इज सो ब्यूटीफुल भाई, मजा आ गया भाई। तो पूरा ट्रेलर तो सबने एंजॉय किया, लेकिन एंड में जब वो बता देंगे 2025 में रिलीज होगी, तो उस वक्त सब डिसहार्ट हो जाते हैं, या फिर से 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। यार इसी के ऊपर आईसो स्पीड का भी कुछ ऐसा रिएक्शन निकल के सामने आता है। 2025, are you serious, bro? I'm gonna be like 50 years old. I might not even be alive. Oh my god, why are you making us wait so long? Oh shit! Oh my god! 2025! 2025, Tet! 2025, are you serious? We gonna be old! मगर आईशो स्पीड के अलावा डकी भाई ने लिखा, कमिंग इन 2025, द वर्ल्ड माइट एंड बाय देन। मुनीब की मीम्स लिखते हैं, ट्रेलर लुक्स गुड बट 2025, ब्रो इट्स गोना बी सो लॉन्ग, आई डोंट नो इफ आई लिव दैट लॉन्ग टू सी द गेम। बाबा ओपी लिखते हैं स्कैम हो गया। यार इसके अलावा एक यूजर ने 2013 में ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि GTA 6 जो है वो 2025 से पहले नहीं आने वाली, और यार उसकी जो है प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। फिर आप लोगों ने ट्रेलर देखा और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो असगर घोसो के रिलेटेड है। रिसेंटली असगर घोसो की नादिर अली के साथ एक पॉडकास्ट आई है, जिसमें वो रिवील करते हैं कि वो सऊदीया गए हुए थे कुछ अरसे पहले, और वहाँ उनको तकरीबन पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बताते हैं कि वो मक्का में फजर की नमाज पढ़े थे, और वो बताते हैं कि वो नमाज पढ़ के जैसे ही बाहर निकले तो काफी ज्यादा फैंस वगैरह ने उन्हें घेर लिया था। इसके बाद पुलिस जो है वो उनको उठा के अपनी वैन में डालती है, लेकिन जब ये अपने चैनल वगैरह दिखाते हैं तो उसके बाद उनको पुलिस छोड़ देती है। तो वो सारे सीन के रिलेटेड क्या बात करते हैं उनकी पॉडकास्ट का भी छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्यार करने वाले हरम में मिलते हैं ना, हाँ लोग मिलते, तो फिर क्या हुआ कि वो नमाज पढ़ के फजर की में निकला ना, तो बंदे मिले, फोटो निकाले, फिर 10-15 हो गए, क्योंकि नमाज के बाद फौरन रश होती है, फिर 40 हो गए, ऐसे रश बढ़ती गई। तो मैं भागने की बड़ी कोशिश कर रहा था, क्योंकि हरम में ना रश करना और मुनासिब नहीं। फिर वो छुड़ते आए और उन्होंने उठा के मुझे गाड़ी में डाला। वो ऐसे मैंने बोला उस्ताद ये डंडे उनके पास ये नहीं है डंडे जिनके बीच में और डंडा है इतना, वो डंडा जब उला रहा तो मैंने बोला ना मर जाऊंगा, नो पड़िंग अलकोमा, नो अलकोमा अभी भी 1 मिनट अभी भी, बोला फनान। फिर मैंने बोला क्या करूं, फिर मैंने मोबाइल निकाले, मैंने बोला अला फेसबुक फनान, उन्होंने फॉलोअर देखे हाँ, अला टिकटॉक जल्दी खोला, मैंने बोला अला फनान, बोला हाँ, फिर यूट्यूब खोला, फिर उन्होंने बोला नीचे आ, वो जाली वाली मोबाइल नहीं है इनकी छोटी पेजारो, उधर से नीचे, पहले मुझे यूं धक्का दिया तो मैं अगली सीट पे चला गया। फिर वापस में बोला खमान खमान करके बोला अल्लाह फनान, मैंने बोला अल्लाह सेल्फी हबीबी अल्लाह सेल्फी, मैंने बोला खोसा इज्जत बच गई।
अगर आपको ये पूरी पॉडकास्ट देखनी हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात अगर पॉडकास्ट वगैरह के रिलेटेड चली रही है, तो रिसेंटली शाहिद अनवर की भी जुनैद अकरम के साथ एक पॉडकास्ट आई है, जिसमें जुनैद अकरम जो है वो शाहिद अनवर से मुफ्ती तारिक मसूद वाली कॉन्ट्रोवर्सी के रिलेटेड सवाल करते हैं। इसका शाहिद अनवर रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद जो है वो उनके नाम पे व्यूज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी रेगुलर वीडियोस पे इतने व्यूज वगैरह नहीं आते, लेकिन जैसे ही वो मेरा नाम लेते हैं तो उनकी वीडियोस पे मिलियन व्यूज आ जाते हैं। और वो मजीद कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद जो है वो पांचवी शादी भी करने वाले हैं, इस वजह से अब वो मजीद भी मेरे पे वीडियो बनाएंगे ताकि एडसेंस के थ्रू पैसा बना सकें। तो जुनैद अकरम की पॉडकास्ट का भी छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मुझे नहीं पता, मैं मुफ्ती साहब को जानता भी नहीं था। एक वीडियो बनाई मुफ्ती साहब ने मेरे खिलाफ और जो है बड़ा ज्ञान बांटा। अगले दिन किसी ने मुझे मुफ्ती की वो लैंड क्रूजर में वीडियो सेंड की, भाई सफेद कपड़ों में और टखनों से ऊपर ये ऐसे और चमकीली दाढ़ी, और वहाँ मेंबर पे कह रहे गरीब 500 साल पहले जन्नत जाएगा। हिसाब होगा इसका, लैंड क्रूजर का हिसाब नहीं हो रहा, इसकी एक्सेंस का हिसाब नहीं हो रहा, लेकिन भाई गरीब का हिसाब हो रहा है। भाई तू ऊंट पे क्यों नहीं जाता कराची? कोरंगी चौक में ऊंट पे जाओ ना, राइट? एसी में बैठा है और पंखे चले हैं और कुछ लोग तो पैर दबा रहे, जाके दरख्त के साए में बैठ के ये बातें करो। लेकिन नहीं, मुफ्ती साहब के चैनल पे हर वीडियो में 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन 17,000-15,000 ये व्यूज है, लेकिन मेरे वीडियो पे 1 मिलियन। वो बात यहाँ पर लगी, लेकिन मुफ्ती साहब के यहाँ पर लगी। मुफ्ती साहब ने कहा अगर चौथी शादी करनी है तो शायद उन्होंने भी वीडियो बनानी है और फिर एडसन से पैसा आना है, और ये तो बल्ले बल्ले। मुफ्ती साहब को जो है नशा चढ़ गया, तो अब मुझ पे वीडियोस बनाते हैं। सही, तो अब मुफ्ती साहब ने वीडियो नहीं बनाई फिर? फिर जब मुफ्ती साहब वीडियो नहीं बनाते तो उनका चैनल डेड, अब आई थिंक और बनाएंगे। अभी मैंने सुना है कि पांचवी शादी कर रहे हैं, तो पांचवी वीडियो आनी है। तो आप लोगों का इनकी बातों के ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। यार इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो इकरारुल हसन के रिलेटेड है। तो काफी ज्यादा ऐसी न्यूज वगैरह निकल के सामने आ रही है कि इकरारुल हसन ने जो है वो तीसरी शादी कर ली है, और इन्होंने जो तीसरी शादी की है वो अरूसा खान न्यूज एंकर से की है, यार जिसके रिलेटेड अरूसा खान के Q&A में पता चला है। इकरारुल हसन ने इसके रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं की थी। जैसे कि कोई फैन जो है वो उनसे Q&A में सवाल करता है आपकी शादी हो चुकी है, उसका वो जवाब देती है यार, कोई और फैन बोलता है इकरार भाई का ध्यान रखना, तो वो कहती है इंशाल्लाह। यार इसके बाद से अभी काफी ज्यादा मजीद भी कंफर्मेशन आने लग गई हैं। तो देखते हैं कि इकरारुल हसन जो है वो कब इसके रिलेटेड अनाउंसमेंट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर बात अगर शादी वगैरह के रिलेटेड चली रही है, तो रिसेंटली रज्जब भट्ट की भी निकाह हो चुकी है, और यार उनकी निकाह के बाद उन्होंने तो खुद अपनी वाइफ का फेस रिवील वगैरह अपनी व्लॉग्स वगैरह में नहीं किया, लेकिन काफी ज्यादा यूट्यूबर्स वगैरह जो है वो उनकी शादी में व्लॉग्स वगैरह बना रहे थे, जिसमें से कुछ उनकी वाइफ का ये वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। अब ये रियल है या नहीं ये तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरे पास तो आप सबके लिए सिर्फ आज इतनी ही न्यूज़ थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।